नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले पत्र से स्वच्छ ईंधन के ऊपर आए लेख देखिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसकी जुड़े हुए बातों को एम रिवर कहाँ पर है, आर्टिफिशियल पत्ते हैं बारे में पौधों में प्रकाश विश्लेषण वैज्ञानिकों ऊर्जा के नए स्रोत विकसित करने के लिए प्रेरित कर रही है। में कैंब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ऐसे तैयार किए हैं जो सूर्य के प्रकाश और पानी से स्वच्छ ईंधन उत्पन्न करते हैं। ये पत्ते समुद्र में बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं, अत्यंत पतले और लचीले हैं और उनकी लागत भी बहुत कम है। आर्टिफिशियल पत्ते बनाए गए उनको पानी में रखने पर जो पानी से अगर प्रकाश के पत्ते काम करते हैं और सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ईंधन में चेंज करना या ऊर्जा में चेंज करना, उसी प्रकार ये पत्ते भी काम करेंगे। पतले होने के कारण ये उपकरण पानी में तैर सकते हैं। इनका उपयोग पेट्रोल के विकल्प के रूप में एक संधारणीय ईंधन उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। पूर्वी इंग्लैंड में केम नदी पर इन हल्के फुल्के पत्तों के परीक्षणों से पता चला कि वे पौधे की पत्तियों की तरह ही सूर्य के प्रकाश संश्लेषण प्रकाश को ईंधन में कुशलता से परिवर्तित कर सकते हैं। केम नदी इंग्लैंड में कैम्ब्रिज में बहने वाली मुख्य नदी है। देख लेते हैं यहाँ पर केम नदी के बारे में। यहाँ पर ये हमारा इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर निचले वाले भाग की तरफ यानी कि जो भाग है उसमें भाग पर कैम्ब्रिज है और यहीं पर है हमारी नदी रिवर केम। यह पहला अवसर है कि पानी के ऊपर स्वच्छ ईंधन उत्पन्न किया गया है। इन कृत्रिम पत्तों का उपयोग बड़े स्तर पर प्रदूषित जलमार्गों, बंदरगाहों या समुद्र में किया जा सकता है। जो इन पत्ते हैं इनका उपयोग हम अगर जो करेंगे तो इनसे बहुत बड़ा अगर धीरे धीरे जैसे कि आज ये प्रौद्योगिकी आई है विकसित होते हुए हो सकता है बड़ा बदलाव के रूप में भी उत्पन्न हुए पत्ते हैं। इनका उपयोग हम बड़े स्तर पर भी आगे चलकर कर सकते हैं। यहाँ पर प्रदूषित जल मार्ग है वहाँ पर कर सकते हैं, मृदाएँ हैं वहाँ किया जा सकता है। इनके प्रयोग से दुनिया के जहाजरानी उद्योग की ईंधनों पर निर्भरता कम करने में भी यानी कि जहाजरानी उद्योग हमारे जीवाश्म ईंधनों की जो निर्भरता वो कम करने में जरूर मदद मिलेगी आगे चलकर। केम रिवर के बारे में सर ये देखिए यहाँ पर हमारा इमेज लोड हो चुकी है जैसे कि हमारा इंग्लैंड का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी पूर्वी के तौर यहाँ पर ये हमारा कैम्ब्रिज है और कैम्ब्रिज में ये रिवर केम होते हुए जा रही है और इसी में ये परीक्षण किए गए हैं। आप देख सकते हैं ये रिवर केम और ये कैम्ब्रिज पूरा। तो चलते हैं वापस हमारे इस पर। और हाल के वर्षों में पवन और सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ काफ़ी सस्ती और सुलभ हो गई है। हालांकि जहाँ जाने जैसे उद्योगों का कार्बन से भरना एक बहुत बड़ी हमें लगभग 80% पर माल भाग जहाज़ों के जरिए होता है जो जीवाश्म ईंधन द्वारा संचालित है। 80% व्यापार है तो सर माल भाग जहाज़ों के जरिए होता है और जो 20% बचा वो हवाई जहाज या फिर ट्रक्स वगैरह की तरह होता है अगर स्थल मंडल से जुड़े हुए। फिर भी अगर देश एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो वहाँ पर जो व्यापार है वो ट्रक वगैरह की वजह से या ट्रेन हो सकता है। परंतु अगर अगर रास्ता लंबा है और अगर कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है यानी कि अगर सामान एशिया से अमेरिका पहुँचाना है तो हमें उसके लिए अरे मालवाहक जहाज़ों का प्रयोग करना पड़ता है समुद्र के रास्ते। फिर भी जलवायु संकट के इस क्षेत्र पर कम ध्यान दिया गया है। कैम्ब्रिज के प्रोफेसर इरविन डिसन के शोध दल ने 2019 में एक कृत्रिम पत्ता विकसित किया जो सूरज की रोशनी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से सीन गैस बनाता है।
यहाँ पर देखा, जो सूरज की रोशनी जो अगर जो इन्होंने मतलब उस दल ने अपना शोध किया था उसमें एक पत्ते को विकसित किया था जो सूरज की रोशनी को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से सिंथेसिस में बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सिंथेसिस बनाता है, सिंथेसिस क्या होती है देख लेते हैं दोस्तों। सिंथेसिस ये होती है तो सिंथेसिस और इसको सिंथेसिस कहते हैं, उसी को शॉर्ट फॉर्म में सिंथेसिस कहते हैं। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन होता है और वेरी रेशियो यानी कि 1:2 इस प्रकार से कुछ इस ओपन सम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एक और भी होती है। तो ये आप CH4 इसका फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा होगा आप कार्बन डाइऑक्साइड का देख सकते हैं यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अमोनिया और मिथेनॉल। अमोनिया और मिथेनॉल बनता है कंबस्टेबल कैन बी यूज्ड तो ये गर्नशील है और यूज फ्यूल के तौर पर यूज की जा सकती है। और हिस्टोरिकल देखा जाए तो इट हैज बीन यूज्ड एज एस्टमेंट क्या गया है व्हेन गैसोलाइन सप्लाई हैज बीन लिमिटेड सप्लाई की क्योंकि ये लिमिटेड रह गई थी। फॉर एग्जांपल वुड गैस वाज यूज्ड टू पावर कार्स वर्ल्ड वार टू के टाइम पर वुड गैस थी वो पावर गैस पावर कार्स में यूज की जाती थी वर्ल्ड वार टू के टाइम पर। जर्मनी अलोन हाफ मिलियन कार्स वर बिल्ट फॉर री बिल्टाना वुड गैस क्या देखते हैं वुड गैस क्या होती है देख लेते हैं। वुड गैस इज लेफ्ट हैंड फॉर फॉर्मेक रोज एंड थ्री कलर्स। ठीक है दोस्तों अभी यही हमारे लिए जरूरी था। इन गैस इज प्रोड्यूस बाय स्टीम रिफॉर्मिंग फॉर नेचुरल गैस और लिक्विड हाइड्रोकार्बन टू प्रोड्यूस हाइड्रोकोल यानी कि इन गैस से वो प्रोड्यूस किया जाता है स्टीम रिफॉर्मिंग करके नेचुरल गैस या फिर लिक्विड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए और गैसिफिकेशन कोल की गैसिफिकेशन करने के लिए। ये यहाँ पर इतना देखा, इसके अलावा हमारे टॉपिक पर गैस कई रसायनों और दवाओं के उत्पादन में भी निभाती है। यानी कि जो है वो बहुत सारे दवाओं के उपयोग करते हैं। पत्ते के प्रोटोटाइप से ईंधन उत्पादन में सफलता अवश्य मिली यानी पत्ते का उसके प्रोटोटाइप से लेकिन पत्ते में प्रयुक्त पदार्थों की वजह से ये बहुत भारी हो गया यानी बहुत भारी हो गया था। पत्ते का एक बार फोटो जरूर देख के दोस्तों ताकि आपको भी पता चल जाएगी प्रकार के पत्ते हैं। क्या देख सकते हैं यहाँ पर ये पत्ते केम रिवर दोस्तों पर आपको ये पत्ते दिख रहे होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज सारे फोटो देख रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते दोस्तों पत्ते जो बनाए गए वो इस प्रकार से क्लोज फोटो है कि यहाँ पर मतलब पानी की वजह से इतना साफ फोटो नहीं आ रहा तो देखते हैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं फोटो व्यक्ति के हाथ में जो हो गया आपको यही है एक वो पत्ते जो आर्टिफिशियल पत्ते बनाए गए वो इसी प्रकार के हैं आप देख सकते हैं ये पत्ते इस प्रकार के हैं हमारे टॉपिक पर प्रकार ये कृत्रिम पत्ते का नया संस्करण तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से प्रेरणा ली जहाँ लघु रोपण रूपण तकनीकों ने स्मार्टफोन और लचीले के निर्माण को सुगम बनाया है। नहीं लघु यानी छोटा रूप करके टेक्निक से इन्होंने इसका निर्माण किया है और इससे मदद मिली है। अध्ययन दर्शाता है कि कृत्रिम पत्ते आधुनिक निर्माण तकनीकों के अनुकूल है और इन्हें सौर ईंधन उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में प्रारंभिक कदम माना जाता है। कई कृत्रिम पत्तियों के परीक्षण ने प्रदर्शित किया कि वे पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर सकते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को सीन में सीन गैस में बदल सकते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सिंथेसिस गैस में बदल सकते हैं। देखा आपने यहाँ पर जो पानी को और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर सकते हैं और तो इसी प्रक्रिया के द्वारा जो सीन गैस बदल सीन गैस भी प्रक्रिया द्वारा बनती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को सीन गैस में बदल सकते हैं। प्रौद्योगिकी को व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए करने से पहले कई अतिरिक्त सुधार करने की आवश्यकता होगी यानी कि यह एक शुरुआती कदम है विकास करने की जरूरत है। हम इसको एक अच्छे
पे जा सकें और अच्छे तरीके से इसका प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकें। और जो हमारे जहाज देते हैं समुद्री जहाज, उनमें इसका प्रयोग करके जो हमारा ईंधन है कि जीवाश्म ईंधन है उसको उपयोग कम से कम करके, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो जलवायु संकट हो रहे हैं, इसके संदर्भ में हम कुछ कदम उठा सकें। तो यही खत्म होता है दोस्तों, अब अगले टॉपिक पर, और अगले वीडियो में तब